टिंकरकैड की सीरीज में आज हम ये एनमोस ट्रांजिस्टर मॉसफीट को कवर करेंगे और इसको देखेंगे कि इसके थ्रू हम कैसे स्विच कराते हैं। तो हमने इस एनमोस को क्लिक किया और यहाँ पर इसकी हम लेग को पहले समझ लेते हैं कि इसके पास तीन लेग हैं। एक लेग है गेट, दूसरा है ड्रेन और तीसरा है सोर्स। जब हमने ये एन टाइप और पी टाइप के ट्रांजिस्टर को स्विचिंग के केस में यूज़ कराया था तो हमने देखा था कि इनके पास में भी तीन लेग होती है, तो इनके पास भी तीन लेग है और ये बिल्कुल इन्हीं के टाइप से काम करेंगे। बस इनको आज हम बाइनरी डिजिट के थ्रू डिजिटल पिन के थ्रू कंट्रोल करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर पहले पिन को समझ लेते हैं इनको। इसके गेट के थ्रू हम कंट्रोल करेंगे और इसके गेट में हम बाइनरी डिजिट भेजेंगे 0 या 1। तो यहाँ पर सोर्स है, सोर्स में हम पावर भेजेंगे, जो भी पावर पॉजिटिव या नेगेटिव वही हमें यहाँ से मिलेगा ड्रेन से। ठीक है, तो एनमोस के केस में हम सोर्स में नेगेटिव पावर भेजते हैं और पीमोस अगर होता तो सोर्स में हम पॉजिटिव भेजते, और जो भी हम सोर्स में भेजेंगे वो हमें यहाँ से आउटपुट में मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक आर्डिनो बोर्ड लेके आने वाले हैं। आर्डिनो बोर्ड हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आर्डिनो बोर्ड के पास में ये डिजिटल पिन होती हैं जिनसे हम 0 या 1 बाइनरी डिजिट ले सकते हैं। तो हमने इसके गेट को कंट्रोल करना है, तो हम किसी भी पिन से, डिजिटल पिन 2 नंबर से हमने एक वायर को कनेक्ट किया इसके गेट वाले लेग से। तो हमने ये कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसको ऑपरेट करने के लिए, चालू करने के लिए सोर्स भी देंगे। तो एनमोस के केस में सोर्स में हम नेगेटिव पावर देते हैं, तो एक वायर हम ग्राउंड से निकालेंगे आर्डिनो के और अपने एनमोस जो मॉसफीट है हमारा उसके सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। वायर का कनेक्शन हमें ब्लैक रखना होगा क्योंकि हम यहाँ निगेटिव कनेक्शन कर रहे हैं, निगेटिव पावर दे रहे हैं। तो अब हमारा ये कनेक्शन हो गया है। तो जब ये कनेक्शन हो जाएगा तो ड्रेन से हमें कुछ आउटपुट मिलेगा, तो ये आउटपुट का हम क्या यूज़ करेंगे तो वो अभी हम देख लेंगे कि क्या यूज़ करना है। पर हम अभी आर्डिनो से यहाँ पर 0 या 1 भेज रहे हैं ये बताना पड़ेगा। तो हम सिलेक्ट करेंगे आर्डिनो को और कोड को ऑन करेंगे। डिफ़ॉल्ट कोड ये आ गया है, जब हम आर्डिनो बोर्ड को कॉल करते हैं तो ये अपने आप ही आ जाता है, हमें इसकी ज़रूरत है नहीं। इसको हम डिलीट कर देते हैं और ये आउटपुट में हमें सेकेंड वाला ब्लॉक चाहिए, और ये ब्लॉक हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम ये बता पाएँ कि हम 2 नंबर पिन को, आर्डिनो की 2 नंबर पिन को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर सेट पिन लिखा है, यहाँ पर हम बताएंगे कि 2 नंबर पिन हमें चाहिए और अब हम इसको बताएंगे कि 2 नंबर पिन में क्या भेजना है, हाई या लो। हाई का मतलब 1 और लो का मतलब 0। तो यहाँ पर एनमोस के केस में हम जब गेट पर 1 भेजेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा और 0 भेजेंगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर ये एक्टिव करना है, अगर ये एक्टिव हो जाएगा तो सोर्स में जो भी पावर आ रही है वो हमें ड्रेन से मिल जाएगा। तो ये पावर अगर हमें ड्रेन से मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे इसका, हम इससे एक एलईडी को कंट्रोल करेंगे। तो क्योंकि हमने सोर्स में नेगेटिव दिया है इसलिए इसके ड्रेन में भी हमें नेगेटिव ही मिलेगा। तो इस नेगेटिव को एलईडी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और इसका जो सर्किट है वो पूरा करने के लिए हमें एलईडी के एनोड को यानी पॉजिटिव लेग को कनेक्ट करना होगा। तो पॉजिटिव लेग को हम 3 वोल्ट की पावर सप्लाई देते हैं क्योंकि एलईडी हमारी 3 वोल्ट पर ग्लो करती है। तो हमने पावर सप्लाई दे दी यहाँ से और वायर का कनेक्शन हमें रेड करना होगा। अभी हम क्या करते हैं, चेक करते हैं इसको, स्टार्ट सिमुलेशन पर जाते हैं और चेक करते हैं क्या हो रहा है। जैसे ये सिमुलेशन हो गया, एलईडी हमारी जल रही है। तो एलईडी जल रही है पर अगर इसको हम बेस को, जो भी इसके गेट पर जो भी वैल्यू जा रही है अभी हाई जा रही है, लेकिन अगर हम चाहें कि 2 नंबर से जो वैल्यू जा रही है गेट पर ये 0 जाए यानी कि लो वोल्टेज जाए तो क्या होगा। हम फिर से स्टार्ट सिमुलेशन पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे एलईडी हमारी ऑफ है, क्योंकि एनमोस के केस में गेट में हमें जब तक हम 1 नहीं भेजेंगे बाइनरी डिजिट तब तक ये काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा तो जो भी सोर्स में हमें पावर मिल रही है वो ड्रेन से हम नहीं लेकर के आ पा रहे हैं। तो हम जैसे ही इसको हाई वोल्टेज भेजेंगे यानी कि 1 वैल्यू, वैसे ही ये ट्रांजिस्टर काम करने लगेगा और ये काम करेगा तो जो सोर्स में हमें मिल रहा है पावर वो हम इसके ड्रेन से ले सकते हैं।
तो हम इसको हाई वोल्टेज भेज रहे हैं, ये देखिए। और इसको स्टार्ट सिमुलेशन पर क्लिक करते हैं, तो ये देखिए हमारी एलईडी ऑन हो गई है। ये एलईडी ब्लास्ट साइन बन के आ रहा है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, एक रजिस्टर लेना है यहाँ से और रजिस्टर को यहाँ पर लगा देना है, क्योंकि 3.3 वोल्ट यहाँ से आ रहा है, तो ये 3.3 वोल्ट में ब्लास्ट कर सकती है, इसलिए क्योंकि एलईडी को 2 से 3 वोल्ट चाहिए होगा, यहाँ 3 वोल्ट से ज़्यादा है, 3.3 वोल्ट है। तो हम इसको फिर से स्टार्ट सिमुलेशन पर क्लिक करेंगे, और ये बहुत लो जल रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको पावर कम मिल रहा है, तो ये किलो ओम की बजाय हम ओम का रजिस्टर लगाएंगे और यहाँ 50 ओम कर सकते हैं। तो अब जो पावर मिलेगी 3.3 वोल्ट वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी, तो इस रजिस्टर को बस इसलिए लगाया, लेकिन जो मेन फंक्शन था NMOS का वो हमने समझ लिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हम कोडिंग में कोडिंग के थ्रू इसको 2 नंबर पिन पे 0 या 1 भेज रहे हैं, तो जब 0 भेज रहे हैं ट्रांजिस्टर ऑफ है, और जब 1 भेज रहे हैं तो ट्रांजिस्टर ऑन है। तो हमने इस तरह से NMOS को देख लिया है। आने वाली वीडियो में हम MOSFET के और भी PMOS देखेंगे, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने ट्रांजिस्टर को कवर किया है, आप देख सकते हो BJT ट्रांजिस्टर और NMOS के कुछ और ट्रांजिस्टर को हमने कवर किया हुआ है। तो आपको हम यहाँ पर बता देते हैं कि जो हमारे पास NMOS और PMOS के ट्रांजिस्टर हैं, उनमें से ये जो मिनी वाले आप देख रहे हैं स्मॉल सिग्नल के, इनको भी हमने कवर किया हुआ है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना, शेयर करना। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।